राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छी मम्मी स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी ग्रोसरी शॉपिंग, भाई क्या क्या लेते हैं हम। और ये मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ये मेरी मंथली है या कितने दिन की है, बस जब तक चल जाता है तब तक चल जाता है। काल सामान बीच में भी आता रहता है और इकट्ठा सामान, मतलब फिर ये होता है ना, जैसे अब मेरे को ये हो रखा था भी मुझे नहीं, मतलब सारी चीजें बिल्कुल खत्म करनी है या थोड़ी बहुत बिल्कुल जरूरत की चीजें थी वो चल रही थी, तो उस हिसाब से मैं कुछ मंगवा नहीं रही थी। तो आज मैंने जो सारी इकट्ठी जो शॉपिंग है वो की है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और देखिए, कुछ लोग इन चीजों को पसंद भी करते हैं, कुछ लोग ना भी करते हैं, क्योंकि देखिए मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद देखती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ये हुआ कि भाई चलो, कुछ लोग आप में ऐसे भी होंगे जिनको अच्छा लगेगा, और अलग से ऐसी ऐसी जो कुछ वीडियो है वो मैं जरूर बनाया करूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये वीडियो सब तो नहीं देखना पसंद करता, लेकिन कुछ लोग देखना पसंद करते हैं, पूछते भी रहते हैं आप ये चीज कौन से उसकी यूज करते हो, ये चीज कौन से उसकी करते हो। तो मैं सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ ना शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सारी ही जो चीजें हैं वो दिख जाएंगी। और अब की बार मेरा जो डिटर्जेंट पाउडर है, ये मास्टर जी ऐसे ही करते हैं, दिखाऊंगी मैं ये चीज क्या क्या कारनामे करते हैं ये। मैं एक बार ना सारा सामान इकट्ठा मतलब निकाल लेती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को जो सामान है वो दिखाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है ब्लैक चना, ठीक है, जो काले चने होते हैं वो तो सही है गर्मियों में, वैसे भी कई बार वैसे उबाल करके खाने का मन हो जाए। और ये है वाइट चने, जो छोले भी कहते हैं हम इनको, तो ये वाइट चने हैं। और ये चीजें मैं कम मंगवाती हूँ, ये क्यों, इसका रीजन क्या है? वैसे तो छोले रखे भी हुए हैं, अभी मैं ना भिगोना भूल जाती हूँ, और हम बिल्कुल एंड टाइम पे देखते हैं कि मैं क्या सब्जी बनानी, मतलब पहले से हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, तो उसमें क्या होता है भाई, ये फिर बनते नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भिगोए रखे हुए तो बने नहीं, कभी कभार याद रहता है तो, लेकिन याद करके बनाया करेंगे। और ये है, हर बार की ये दिक्कत है, मैंने अब की बार अलग से भी लिख रखी थी, फिर भी यही दिक्कत है, पता नहीं ये कब सुधरेंगे, मुझे नहीं लगता। मेरा ना मन था अब की बार, ये मिक्स दाल ना हमारे घर पर रखी हुई है, लेकिन मैंने अलग से पीली जो ये होती है ना मूंग की दाल होती है पीली, वो मंगवा रखी थी भाई, मेरा मन था काफी खाने का, लेकिन इसमें चने की दाल, मसूर, मिश्री, मूंग सब कुछ शामिल कर रखे है, मतलब क्या कह रहे हैं, हर बार ना दाल ने मिलावा लिया हुए हैं। और मुझे ये कई बार अच्छी तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लग जाए हुए हैं, लेकिन फिर भी कई बार अलग भी खाने का मन करता हूँ, और मैं हर बार बोलती हूँ इनको ऐसा मत किया करो, लेकिन ये शायद नहीं सुधरेंगे। नमक का पैकेट, ये है गरम मसाला, ये है जीरा, और ये धनिया, और मुझे जो मतलब लस्सी में डालने के लिए जो मसाला है वो भी बढ़ाना है, वो बढ़ाऊंगो ब्याह रखी है, मतलब मैं सुना दी हूँ अलग दली ले रहे हैं, पीली दाल है मूंग की, तो ये बनाऊंगी, भी बहुत दिन तक मन कर रहा था भाई, करा कर ऐसी सी हरकत जहाँ तक फिर केवरा पटाखा ले आ रहे हैं तो। और ये भाई मिक्स अचार है, वैसे तो अचार रखे है लेकिन ये ले के आ रहे हैं मिक्स अचार। और ये है बेसन की जो भुजिया होती है वो भुजिया का पैकेट है, ये कुछ बिस्कुट के हैं, और ये होंगे का दही में, बाकी दो तीन हम खा गए निकाल निकाल के। यह है बर्तन धोने की साबुन, और इस सरफ के लिए आते हैं मेरे पास ये हल्दी है, और हम वैसे शुरू दिन से ये जो दो जो सरफ भी बोल देते हैं डिटर्जेंट पाउडर जो भी, ये यूज करते हैं, एक तो सरफ एक्सल का और एक टाइड का, ठीक है। और क्या होता है, ये दोनों ही लेकर के आते हैं, फिर इनको मिक्स भी कर लेते हैं, अलग अलग भी रख लेते हैं, लेकिन अब की बार इन्होंने दो की बजाय तीन कर दिए, तो एक ये एरियल का लेकर के आए हैं, ठीक है। तो ये तीन जो सरफ के पैकेट हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहा है कि आप कौन सा जो डिटर्जेंट पाउडर है वो यूज करते हो, तो मैं टाइड और जो सरफ एक्सेल है वो यूज करती हूँ। और एक ये इजी है, मतलब तो कभी नए जो सूट हैं वो धोने पड़ जाए, और कभी कभार साबुन भी लगानी पड़ जाती है, तो खादी की जो साबुन है वो है। और ये है
चाय पत्ती, मालानी चाय एक पैकेट ये, क्योंकि चीनी और पत्ती हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगते हैं। चीनी का तो हम कट्टा ही लेकर के आते हैं, क्योंकि उस 5-10 दिनों में हमारा काम नहीं चलेगा, बहुत चाय बनती है। और वैसे दूध बहुत कम, मतलब बच्चों का ही करती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे पीते नहीं है। और ये मेरे को बोलते भी कि सीमा इससे तो अच्छा ना शक्कर डाल दिया, अगर चीनी मत डाले अगर तो। एक चाय का पैकेट ये है, बात भी सही है, क्योंकि चीनी तो देखो नुकसान ही करती है। और ये जो मैं लाइजोल क्या मंगवाया था मैंने, लेकिन वो मेरे को इतना खास कुछ फ़र्क दिखाई नहीं देता, मैं लगाती हूँ ना पोछा, तो अगली बार मैंने कहा कि चेंज करके लेके आना, ये सही रहता है, मतलब मक्खियाँ कम आती हैं इससे। और एक मेरा जो कोलिन है वो भी ख़त्म ही होने वाला था, बस थोड़ा बहुत रहता है। ये तो ऐसे शोर मत कर बेटा, क्योंकि ना एक तो मुझे मेरा जो मतलब गैस चूल्हा है वो साफ़ करना पड़ता है, और जैसे 2-3 ये जो ये है वाश बेसिन वाला जो शीशा हो गया, और ड्रेसिंग टेबल हो गया, ये कैबिनेट बनवा रखे अलमारी, इन पर भी लगा दिया करूँ, क्योंकि अच्छे से फिर चमक जावे हैं। और एक इस अलमारी में भी ये यहाँ पर रखी है, इस पर भी लगा दिया करूँ, ठीक है। और भाई एक है ये शहद, क्योंकि मास्टर जी डाल करके पीते हैं कभी कभार सुबह खाली पेट, नींबू और शहद। और इसमें बादाम है, ये भी हमारे ख़त्म हो रहे थे अब। और ये है मखाने का पैकेट, तो ना मखाने आप ज़रूर शामिल करें, महंगे आते हैं बट अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके घर में। बच्चे क्या देखो भाई, सबको ही ज़रूरत होती है ना, अब लेडीज होती है घर में उसको और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये आप ज़रूर लेके आए। और अब की बार मैंने जो पोहा है वो भी मंगवाया है, एक बार मैंने पहले भी मंगवाया था पोहा, लेकिन क्या हुआ मेरे को कुछ खास पसंद सा नहीं आया, पता नहीं क्यों, बनाया भी बिल्कुल अच्छे तरीके से था, जैसे जैसे मैंने देखा था वैसा ही सारी चीज़ें डाल करके, लेकिन नहीं अच्छा लगा। तो अब की बार मैंने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं, वो मेरा ऐसे ही गया था बेकार, मतलब बाद में मैंने ना कई दिन ऐसे ही रखा रहा, फिर वैसे गया गया फेंक दिया था। तो देखेंगे अब की बार ट्राई करके कैसा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा मंगवाएंगे, नहीं लगेगा तो ठीक है ये पैकेट खा लेंगे, नीचे खा लेंगे जैसे तैसे भी, अगर खाएंगे कुछ होके, नहीं खाएंगे तो भी देखी जाएगी। और एक है ये सेवइयों का पैकेट, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मतलब एकदम से कुछ भी नहीं होता है, खासकर से लड्डू के लिए हमें दिक्कत होती है कि एकदम से क्या बनाए, तो जैसे मखाने अगर सेवइयाँ हो ना घर में, तो ये है भाई दूध में मखाने की जो खीर है वो बना के दे दो, मखाने मीठे बना करके दे दो, नमकीन बना कैसे भी दे दो, तो इसकी तो कई जो रेसिपी हैं वो बना सकते हैं, सब्जी भी बनती है मखाने की, खीर भी बनती है, और मीठे भी मतलब कई उसमें बन जाते हैं कई तरीके से, मतलब 6-7 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और एक बार शायद मैंने शेयर भी की थी 2-3 तरह की, तो आप लोगों के साथ मखाने की नमकीन भी की थी, मीठी भी 2-3 तरह की थी, एक वीडियो पड़ी हुई अपने चैनल पर। और एक ये है सेवइयों का पैकेट, तो ये भी है कि भाई एकदम से अपना भूना घी में और दूध में उबाल करके दे दी, कुछ और ना मिले तो ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गई थी, और जो हमने तुड़वाई थी उनमें रखी रखी हम हो गए कीड़े, तो वो फेंक दी। और ये हैं मैगी के पैकेट, 4 लेके आए थे, एक हम खा चुके हैं, कल बना लिया था हमने, तो ये मैगी के पैकेट लेके आए थे। और यो लेके आए थे जो कॉफ़ी पाउडर है वो ब्रू गोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि क्या होता है ना, अब चाय से ये है कि पीछा छूट जाएगा 1-2 टाइम की, क्योंकि गर्मियों में मैं क्या करती हूँ ना, जो कोल्ड कॉफ़ी है वो मैं पी लेती हूँ, मेरे को अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब जो चोको है ना वो डाल करके और कॉफ़ी डाल करके बर्फ़ वगैरह दूध में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है कि भाई चाय तक आजा भी नहीं फूकागा तो ये पी लेंगे डाल करके। और मेरा रह गया बाकी जो सामान मंगवाया था मैंने, मंगवाए थे कॉर्न फ्लेक्स दूध में डाल करके पीने के लिए, वो शायद ये भूल करके आ गए हैं, इनको याद नहीं रहा, क्योंकि वो ना मैंने बाद में अलग से बताया था, इनको लिखा नहीं था सामान में इसलिए। और जो बाकी जो सामान है वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, जैसे नाड़े की साबुन हो गई, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो, और सरसों का तेल था वो हम इकट्ठा ही लेकर के आ गए थे, मतलब कोई बोतल लेकर के आए थे बिल्कुल 5-5 लीटर वाली, वो इसलिए क्योंकि वो महंगा हो रहा था कुछ दिनों के बाद, तो मास्टर जी ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, बाइक का तेल की पता नहीं कितनी जो कैन होती है ना वो भरवा के ले आए ना 10-10 रुपये का भी वो करते हैं, ये भी 10 रुपये महंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सरसों का तेल भी, दोनों तेल फुल मात्रा में ला करके रख दिए थे पहले ही जब महंगे हुए उससे।
और क्या था, हाँ घी दूध हमारे घर का होता ही है भाई, वो हमें लेने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो ये था सामान, मतलब कि मेरी जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बहुत दिन हो गए व्लॉग स्टार्ट किए थे ना, तभी मैंने मतलब व्लॉग स्टार्ट किए थे, कुछ ही दिन हुए थे मुझे, तब मैंने ग्रोसरी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद वैसे थोड़ा बहुत दिखाया होगा तो नहीं, लेकिन अलग से स्पेशल जो ग्रोसरी व्लॉग है वो 2.5-3 साल बाद बना रही हूँ मैं, तो अच्छा लगा। और चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।